الجنه والناس هو بالناس مسكيا بسم الله الرحمن من الجنه والناس سورة الناس مكية بسم الله الرحمن الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سورة الناس مكية तो सुबह जी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह जी। और सुबह सुबह ना आज हमना की जो है ना तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। हमना के शायद पेट में दर्द है ना, हमना पेट में दर्द है, पेट में दर्द है। हाँ जब से उठी है बस नींद से तो कह रही है मेरे पेट में दर्द है। हाँ तो बच्चे है जी वो छोटी मोटी चीज़ें खाते रहते हैं, कल पापड़ वगैरह खाने की वजह से भी हो सकती है, सिवैयाँ भी खाई हैं, पेट में गड़बड़ेशन हो सकती है, कुछ भी बच्चे हैं। और इस तरफ जी हदीका ने आटा वगैरह भी हदीका ने गूंद लिया है और आटा जो है ना बिल्कुल तैयार हो चुका है। आज सुबह के नाश्ते में जी हमारे पास छोले हैं, छोले हमने ले लिए हैं। और ये कबीर अपने लिए ना एक नान भी लाया था, क्योंकि कबीर को नान भी पसंद है ना, तो ये कह रहा था कि मैंने आज नान के साथ नाश्ता करना है। तो हमने कहा चले कोई बात नहीं, आप अपनी पसंद कर ले लो। और रात को हमारे पास सालन वगैरह भी ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से आज हमें आज सुबह हमें छोले लेने पड़े। काफ़ी महीनों से जी हमने सुबह की मॉर्निंग की जो वीडियो है वो नहीं बनाई थी, तो आज हमने ये फैसला किया कि हमने कहा कि आज मॉर्निंग की जो है ना वीडियो बना देते हैं, ताकि आप लोगों के साथ एक मरतबा फिर से मॉर्निंग की जो रूटीन है वो भी शेयर कर दें। अच्छा जी एक और बात थी, बेगम साहब रोटी डाल दें जी, माशाल्लाह क्योंकि आटा अभी ताज़ा ताज़ा गूंदा है ना हदीका ने, तो आटा अच्छा हुआ नहीं है। एक और बात बतानी थी आप लोगों से, काफ़ी बहनें कह रही होती हैं, कहती हैं कि आपकी जो रोटी है ना आपके हम वो जो है ना फूलती नहीं है, तो तंदूर पे लगने वाली रोटी ज़्यादा फूलती है, और जिस रोटी के अंदर आप लोग वो डालते हैं ना वो कुछ खमीर वगैरह वो भी फूल, अच्छा खमीर डालते हैं इस वजह से फूलती है। हम लोग खमीर वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ का आटा होता है ये प्योर गंदम का आटा होता है, इसके अंदर से कोई मैदा वगैरह या सूजी वगैरह निकली हुई नहीं होती। अच्छा और इसके अंदर मैदा मिक्स भी नहीं होता, क्योंकि हमने बाज़ार से तो ख़रीदना नहीं होता, हम लोग जो है ना अपना आटा इस्तेमाल करते हैं, गंदम हम लोग ख़रीदते हैं और उसी गंदम को हम लोग खुद ही पिसवा कर इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से ये वाले आटे की रोटियां बहुत ही कम फूलती हैं। कभी कभी कोई ना कोई रोटी फूल भी जाती है, वो शायद तवे की गर्माइश की वजह से या कुछ भी हो सकता है, तो बहरहाल उसके अंदर हम कुछ मिक्स नहीं करते। नहीं, सिर्फ गंदम। और जो बाज़ारों में शहरों में जैसे कराची जैसे शहर की बात कर रहा हूँ या लाहौर जैसे शहरों में, इस्लामाबाद मुल्तान इन बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जो आटा मिलता है बाज़ार में उनके अंदर मैदा मिक्स होता है, वरना मैदे वाला आटा ही अक्सर मिलता है। एक को मैदा मिक्स होता है, एक मैदे वाला आटा ही होता है। जैसे कि अभी अभी बात कर रहा था और ये वाली रोटी हल्की फुल्की फूल भी चुकी है, तो ऐसा भी हो जाता है कोई रोटी फूलती है कभी कुछ नहीं, मैदे वाली रोटी फूलती है। हाँ जी और हदीका भी आ चुकी है जी, और हदीका ने अपने लिए मैंने कहा कि जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो, फिर हम ना तंग कर रहे, आज हम ना की तबीयत खराब है, क्या है मेरी बेटी का, है ना, आप
पापी की तबीयत खराब है। कबीर आपने चेंज करनी है ना? हाँ तो बेटा चेंज करो ना, मेरा बेटा चेंज करो, यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म पहनो। अभी खाना खा रही है, खाओ आप भी खा लो, आपकी शर्त बोरी, मैं भी खाऊंगी बोरी। इस वक्त जिस सूरज बिल्कुल सर के ऊपर आ चुका है, सर के ऊपर से मकसद ये है कि तकरीबन 8 बजे का टाइम हो चुका है, 8:30 का, और ये रही हमना। जी हाँ, दुद्धू गिनान जुलसू, तू नाल जुलसे? चलो ठीक है, मैं अपने पुत्र को नाल गिधी वैसा, ठीक है ठीक है। अभी ये खुश हो गई है क्योंकि इसे पता है कि शाम को इसने मेरे साथ जाना है, और इसीलिए इसने सुबह सुबह मुझे मस्का लगा दिया, कह रही है कि मुझे आप दूध उठाने के लिए जाओगे, मैंने कहा हाँ, कहती है फिर मैंने माशाल्लाह ठीक है, पेट में दर्द था ना, अच्छा दवाई भी पिलाया, माशाल्लाह ठीक है, खेल रही है। और ऐशा भी सो गई है, और ऐशा जी ये सोई हुई है, ये देख रहे हैं, इसको झूले के अंदर सुला दिया है, और बेगम साहबा जी इस तरफ ना दूध वगैरह जमा कर रही हैं, बोल रहा हूँ दूध वगैरह उबाल रही हैं, गर्म कर रही हैं दूध को, फिर उसके बाद चाय भी तो बनानी है ना अभी। हाँ जी, आज हम ना ने बहुत तंग सुबह सुबह में परेशान कर दिया हम ना ने। चले कोई बात नहीं, बच्चों की तबीयत फिर ऐसे होती है। ठीक है, हदीका और कबीर को हमने जिस स्कूल भेज दिया था। हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कैसे पढ़ते हैं, इस तरफ मुंह करके पढ़ते हैं, जा नमाज के ऊपर पढ़ते हैं, ये अल्लाह अकबर पढ़ रही थी, पढ़ो कैसे पढ़ते हैं, हाँ अल्लाह के ऊपर पढ़ते हैं, तो पढ़ो ना कैसे पढ़ते हैं। हाँ अब बोलिए, अल्लाह मुझे पैसे भी देता है जी, अल्लाह अल्लाह सबको पैसे देता है, आपको भी देता है ना, पैसे किसके पास होते हैं, अल्लाह के पास, किसके पास होते हैं, अल्लाह के पास होते हैं। खाना किसके पास होता है, अल्लाह के पास। अल्लाह ताला कहाँ है, अल्लाह ताला उत्ते है, मतलब अल्लाह ताला ऊपर है, अल्लाह ताला कहाँ पर है, अल्लाह ताला हर जगह पे मौजूद है ना, मेरे बेटे को पता है। तो मैंने जी अपना प्याला खाली कर लिया है, और बेगम साहिबा जी इन्होंने भी पी लिया अपनी चाय। मेरा प्याला तो फुल होता है। हाँ जी, हाँ जी, आप थोड़ी पीते हैं, मैं तो फुल प्याला पीते, एक मरतबा पीते हूँ ना मैं, आप तो दो तीन मरतबा पी लेते हैं। नहीं मैं ज्यादातर दो मरतबा पीता हूँ, लेकिन वो ये नहीं, मैं चाय की वजह से थोड़ी पीता हूँ, मैं तो वैसे मुंह मीठा करना होता है, दूसरी चीज़ों का मीठा मुझे अच्छा नहीं लगता है, चाय के साथ थोड़ा जायका भी चेंज हो जाता है तो मैं पी लेता हूँ। मैं जी हमना भी आ गई है, और वो रही पीछे ऐशा, ये दोनों ऊपर छत पर मेरे पास आ चुकी हैं। आपकी मम्मा क्या कर रही है, हमना इस तरफ देखो, आपकी मम्मा क्या कर रही है, हाँ तेरी मम्मी सुती पई है, क्या करें दी पई है, सुती पई है, बस नींद करें दी पई है, उनको भी कोई काम का है नहीं, नींद करने का काम है, सारी जिम्मेवार नींद करे सी भाई, हैं रोटी का ना पके सी, कपड़े का ना धुए सी, कौन धुए सी, कपड़े तू धुए से, रोटी तू पके से, चलो ठीक है, रोटी तू पकावी, बोरिया मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैंने कहा कि फिर रोटी भी आप बनाना, कपड़े भी आप धोना, कह रही है नहीं मैं नहीं बनाऊंगी, फिर कौन धोएगा कपड़े आपके, आप धोगी, खाना कौन बनाएगा मेरे लिए, खाना मम्मा बनाएगी, खाना आप बना कर दो ना, आप मेरे बेटा हो ना, आप बना के दोगी, आप बना के दोगी, हाँ आप खाना बना कर दोगी, ऐशा आपने खाना बना कर देना है मुझे, नहीं बना के देना, सीधा मना कर दिया, सीधा सीधा मना कर दिया, बना के दे दो, खाना बना के दे दो, रोटी बना के दे दो, नहीं चलो ठीक है। तो हदीका भी जी स्कूल से वापस आ गई है, और इस तरफ कबीर ये रहा, कबीर ने भी अपनी वर्दी जो है ना वो चेंज कर ली है,
इसने यूनिफॉर्म उतार दिया और दूसरे कपड़े पहन लिए इसने। तो बिल आखिर जी बड़ी मुश्किल से मोहम्मद कबीर और हदीका लोगों ने बेगम साहबा को उठा ही दिया। कर मैं सोई थी, बच्चे तो वैसे भी अब देख रहे, झूठ झूठ बोल रही हूँ ऊपर से। नहीं मैंने कल कब सोई हुई थी, बच्चे तो जाग रहे, शोर कर रहे थे, बस पड़ी रही है और क्या। तो मैंने तो 10 मरतबा बुलाया आपने सुना ही नहीं, मुझे तो जवाब नहीं दिया आपने। अब देख लें जी वीडियो के दौरान ये हकीकत सामने आ गई। अच्छा इसने पता है क्या किया, इसने हमना को और ऐशा को ऊपर भगा दिया कि ये चले जाएं ताकि मैं ना सुकून से सोई रहूं, और फिर ये दोनों मेरे पास आ गई और इन्होंने आके मुझे तंग किया है ना, तंग किया था ना मुझे है ना ऐशा, मुझे तंग किया था ना, हाँ वो रही, हाँ तंग किया था। और कबीर जिस वक्त खा रहा है अचार के साथ रोटी, 5-10 मिनट आपने संभाला है, बड़ा एहसान। 5-10 मिनट संभाल, वो अभी मुझे बुलाती रही, मम्मा मम्मा अम्मी। वो तो बच्चों का काम है, वो तो नीचे से खड़ी होती है फिर मुझे बुलाती, कमरे में नीचे होती है हमना। सारा दिन औरतें संभालती रहे, कम से कम 1000 मरतबा तो हमना मुझे बुला लेती है, बाबा अबू बाबा अबू। तो बस जी प्यारे बहन भाइयों, ये वाली वीडियो मैं इधर ही ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ कल की वीडियो मुलाकात होगी, क्योंकि अभी टाइम जी शाम को हो चुका है, 3:30 बज चुके हैं, और बेगम साहब ने ये देख लें कि बच्चों के कपड़े भी, अपना भी एक सूट इन्होंने धो के, हाँ जी तो अभी फिर मैंने विलेज में भी जाना है जी, शायद आटा वगैरह ख़त्म हो गया है, तो शायद कुछ गंदम वगैरह का बंदोबस्त वगैरह भी वहाँ से जा करना है। तो इसी के साथ ये वाली वीडियो खत्म करें, वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ ऐशा।